तो प्राइमरी अमाइन के सिंथेसिस में हम गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन का यूज करते हैं। सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन जो है वो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस के थ्रू नहीं बनाई जाती, ऐसा क्यों? ये हमें रीजन देना है। तो देखो साहब, जो हमारा थैलेमाइड है तो ये बेंजीन की रिंग है और CO CONH ये हमारा थैलेमाइड है। तो ये हमारा थैलीमाइड हो गया। इसकी रिएक्शन जो है हम एल्कोहलिक QH से कराते हैं। QH कैसा है? ये एल्कोहलिक QH है। तो क्या होता है, ये K इधर जुड़ जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा और H2O निकल जाएगा। तो H2O जो है वो निकल जाता है और सॉल्ट जो है वो बन जाता है। तो ये CO, ये CO और ये NK, ये पोटेशियम थैलेमाइड बन गया। तो पोटेशियम थैलेमाइड हो गया। अब इसकी रिएक्शन जो है वो C2H5I से करा देते हैं, इथाइल आयोडाइड से करा देते हैं। तो क्या होगा, के आई जो है वो निकल जाएगा और ये CO, ये CO और ये N C2H5, तो ये एन इथाइल थैलीमाइड बन जाएगा। तो एन इथाइल थैलीमाइड, ठीक है। तो एन इथाइल थैलीमाइड जो है वो बन गया। अब इसका हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे, ठीक है। तो या तो किसी एसिड में या किसी बेस में। तो क्या होगा, वाटर का एच यहां लगेगा, ओ एच यहां लगेगा, फिर एच यहां लगेगा, ओ एच यहां लगेगा, तो ये ऐसा बन जाएगा, ये COOH हो जाएगा और ये COOH हो जाएगा और C2H5 और इधर पे N पे तो H2 आ जाएंगे, है ना। तो ये बॉन्ड टूटेगा तो H यहां, OH यहां, ये बॉन्ड तोड़ो तो H यहां, OH यहां। तो ये तो हमारा क्या बन गया, तो ये तो हमारा थैलिक एसिड बन गया। तो ये थैलिक एसिड बन गया और ये हमारा इथाइलामाइन बन गया। तो इस रिएक्शन के थ्रू हम प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन ही बनाते हैं, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन भी नहीं बना सकते, ठीक है। और सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन बनाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होगा।